बहुजन क्रांति मोर्चा जामताड़ा यूनिट ने 14 अप्रैल को जिले के 5 जगहों पर बाबा साहब का जन्मदिवस मनाकर किया 100 दिन के मिशन का शुरुआत। बहुजन क्रांति मोर्चा जामताड़ा यूनिट ने 14 अप्रैल 2021 को जिले के 5 अलग अलग जगह बेवा धनबाद, पांडेडीह, कोर्ट मोड़, अम्बेडकर चौक, पोसोई मोड़, अम्बेडकर चौक और मोहली डीह अम्बेडकर चौक पर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिवस समारोह मनाया, जिसमें मूल निवासी समाज के बच्चे, बूढ़े, युवा, विद्यार्थी और महिलाएं सम्मिलित हुई। इस कार्यक्रम में बहुजन क्रांति मोर्चा जामताड़ा जिला के संयोजक सुजीत गौतम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब के सभी रूपों को मिलाकर कहा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाने जा सकते हैं, और अगर हम सभी लोग इनके विचारों पर चलते हैं, इनके विचारों को अपनाते हैं, इनके 22 प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में ढालते हैं, तभी इनका जन्मदिवस मनाना सार्थक होगा। बहुजन क्रांति मोर्चा का उद्देश्य है सभी मूल निवासी संगठनों को जोड़ना और जन जन तक महापुरुषों के विचारों को लेकर जाना और समझाना। वहीं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के जिला संयोजक विक्रम रावण ने अपने प्रबोधन में बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर का एक रूप आजीवन विद्यार्थी के रूप में भी सामने आता है, और आज जरूरत है सभी विद्यार्थियों को कि वो बाबा साहब अम्बेडकर को अपने जीवन में ढाल ले। वहीं युवा साथी मोहन ने सभी युवाओं को अपील करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी ही भारत के भविष्य है, और भारत के भविष्य निर्माण के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मॉडर्न थ्योरी दी है वो न सिर्फ मॉडर्न है बल्कि अल्ट्रा मॉडर्न है, और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए बाबा साहब के विचारों को हम सभी युवाओं को अपनाना होगा। इसी क्रम में मंसूर अंसारी, जसीम अंसारी, राजकुमार तूरी, राकेश दास और अन्य लोगों का भी प्रबोधन प्रभावी रहा। ज्ञातव्य हो कि बहुजन क्रांति मोर्चा ने पूरे भारत में 100 दिन का एक्शन प्लान बनाया है, जिसमें वे भारत के सभी राज्यों, 562 जिलों, 3500 तहसीलों, 22000 ब्लॉकों और 101000 सेंटरों पर अगले 100 दिनों में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिवस मनाएंगे, और जन जन तक बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, बिरसा मुंडा, सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख सरीखे मूल निवासी महापुरुषों के विचारों को पहुँचाए।